इंडियाज बुक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करते हैं। मेरा नाम आनंद। अभी तक हमने लूसेंट पब्लिकेशन की वर्बल रीजनिंग बुक का रिव्यू कर चुके हैं। इसको वीडियो को अभी तक नहीं देखा होगा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहां से आप इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। साथ ही साथ हमने लूसेंट पब्लिकेशन की सामान्य ज्ञान बुक का भी रिव्यू कर दिया है। इस बुक को भी खरीदना है या रिव्यू देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, इस बुक को भी आप रिव्यू जरूर देखिएगा और कमेंट्स करके बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा। अब आज हम लूसेंट पब्लिकेशन की सामान्य ज्ञान सामान्य विज्ञान बुक का रिव्यू करने वाले हैं और इस बुक का सभी स्टूडेंटों ने कहा था कि इस नए एडिशंस की बुक के बारे में आप जरूर जरूर बताइएगा। तो आज हम लूसेंट पब्लिकेशन सामान्य विज्ञान की बुक का रिव्यू करेंगे। ये बुक क्यों बेस्ट रहती है जनरल साइंस एग्जाम्स जनरल साइंस के सब्जेक्ट के लिए, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए क्योंकि हम बताने वाले हैं इसमें कि क्यों ये बेस्ट और कितने जल्दी आप इस बुक को जल्दी कंप्लीट कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं लूसेंट पब्लिकेशन की और भी अदर बुक्स, जैसे कि लूसेंट की सामान्य अध्ययन पारिस्थितिकी की बुक भी आती है, सामान्य अध्ययन भारतीय अर्थव्यवस्था, प्राचीन भारत, भारत के भूगोल, विश्व भूगोल, भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी की लैंग्वेज, जनरल इंग्लिश लैंग्वेज पार्ट वन और GE कॉमन एरर, ये भी बुक्स लूसेंट पब्लिकेशन की आती हैं और भी हमारे वेबसाइट पे अपडेटेड है। आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पर हम आपको एग्जाम से रिलेटेड और बुक्स न्यू बुक्स के रिलेटेड आपको कंटेंट्स प्रोवाइड कराते रहते हैं। तो शुरू करते हैं, जैसे कि इस बुक के बारे में बात किया जाए, अगर आप मार्केट में 3D होलोग्राम के अलावा आपको बुक अवेलेबल हो रही है तो ये समझिएगा ये बुक आपको फोटो कॉपी या जीरोक्स कॉपी आपको ओरिजिनल बुक नहीं प्रोवाइड हो रही है। तो इसलिए आपको 3D होलोग्राम वाली ही बुक को आपको बाई करना है और हमारे यहाँ से जो भी बुक्स जाती है वो जेन्युइन ही बुक्स आपको प्रोवाइड की जाती है। इस बुक के लेखक के बारे में बात किया जाए तो संजीव कुमार और नीरज चंद्र चौधरी इस बुक के लेखक हैं और सामान्य विज्ञान जिसमें से आपको इस ये बुक किन एग्जाम्सों के लिए बेस्ट रहती है तो ये संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग, रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा आयोजित समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं और नेतरहाट राष्ट्रीय मिलिट्री कॉलेज, देहरादून रामकृष्ण मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण छात्रवृत्ति, राष्ट्रीय प्रतिभा खोज एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी ये बुक बेहतर रहती है। तो शुरुआत करते हैं इस बुक का प्राइस क्या रहने वाला है। तो इस बुक का प्राइस 230 रुपीज, मतलब 230 रुपये इस बुक का प्राइस रहने वाला है और ये 11वां संस्करण है जिसमें 11th एडिशन 2022 का आपको नए एडिशन के बारे में बता रहे हैं। जैसे कि बात किया जाए इस बुक में कितने पेजेस की ये बुक्स रहने वाली है तो नंबर ऑफ पेजेस आपको 238 पेजेस की ये बुक्स रहने वाली है, जिसमें से आपको कौन कौन से टॉपिक आपको इस बुक में देखने को मिलेंगे तो इसमें भौतिक विज्ञान जिसमें से यांत्रिकी, ध्वनि, ऊष्मा, प्रकाश, विद्युत, चुंबकत्व, आधुनिक और परमाणु भौतिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, खगोलीय विविध, और साथ ही साथ जब आप इस थ्योरी से आप अपना कंटेंट को तैयार कर लेते हैं तो लास्ट में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी मिलते हैं जो प्रीवियस ईयर ईयर्स में सारे क्वेश्चंस आए रहते हैं। सेकंड में कंप्यूटर, फिर रसायन विज्ञान केमिस्ट्री सब्जेक्ट रहेगा, इसी तरह से जीव विज्ञान को आपको मिलेगा, कृषि विज्ञान आपको इसमें सब्जेक्ट मिलेगा और पशुपालन, ये सभी 6 सब्जेक्ट आपको इस बुक में अवेलेबल मिलेंगे। और कंटेंट, अब कंटेंट के बारे में बात किया जाए तो कंटेंट इसमें जैसे कि हमने पिछली वाली सामान्य ज्ञान बुक के बारे में हमने रिव्यू किया था उसी तरीके से इस बुक में भी वही है। जैसे कि विज्ञान है तो विज्ञान का पूरा परिचय इंट्रोडक्शन है और फिर उसमें सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट उसमें बताया गया है, यांत्रिकी उसकी डेफिनेशन और पॉइंट टू पॉइंट वन लाइनर इसमें सभी चीज़ों को दर्शाया गया हुआ है। जब आपका पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाता है, जैसे कि भौतिक विज्ञान के सारे पॉइंट टू पॉइंट्स कंप्लीट हो जाते हैं, तब लास्ट में आपको इसमें पॉइंट टू पॉइंट्स लास्ट में जैसे कि चित्रों की ज़रूरत होती है तो आपको वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का आपके माध्यम से लास्ट में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के माध्यम से जो भी आपने कंटेंट को तैयार किया है उसका ऑब्जेक्टिव इसको टेस्ट के माध्यम से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्यूशन करने के बाद आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि आप ये सब्जेक्ट आपका कंप्लीट हो चुका है, जिसमें से आपको प्रीवियस ईयर जैसे कि आपको 2005 से लेकर 2017 के ये सारे क्वेश्चंस तो रहते ही हैं जैसे कि आप देख ही रहे होंगे, और लास्ट में जब आपको ये पूरा क्वेश्चन जिसमें से आपको आप देख रहे होंगे इस भौतिक विज्ञान में आपको
296 क्वेश्चन रहे और जिसमें से RAS, RTS 2021, और HSC 2021 के भी इसमें क्वेश्चंस का समावेश किया गया हुआ है। तो ये बुक बहुत ही बेहतरीन रहती है। इसी तरीके से कंप्यूटर सब्जेक्ट है, कंप्यूटर सब्जेक्ट के बारे में बताया गया हुआ है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्यूशन करने के बारे में बताया। इस तरह से ये सारे सब्जेक्ट इसमें रहने वाले हैं, जहाँ पर टेबल्स और चार्ट्स की ज़रूरत पड़ी है वहाँ पर टेबल और चार्ट्स भी उपलब्ध कराए। तो ये बुक कैसी लगी, इस बुक को बारे में कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, और हमारे उत्साहवर्धन के लिए आप वीडियो को लाइक जरूर किया करिएगा, और हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, और बुक को बैक डिस्काउंट में आप खरीदना चाहें तो हमारे व्हाट्सएप नंबर और वेबसाइट के माध्यम से इस बुक को बाय कर सकते हैं। तो थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।